नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दिवस पर देश भर में जन जागरूकता कार्यक्रम। राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आलोक लिबांग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के उपायों को लोगों से अपनाने की अपील। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को दी स्वीकृति। मंत्रिमंडल ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए संबंधित पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन का किया अनुमोदन। राज्य में कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण कई इलाकों में भूस्खलन से सड़क संपर्क प्रभावित। राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर विद्यालयों को 13 जुलाई तक बंद रखने का दिया आदेश। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन संचालन समिति ने आज ही के दिन जनसंख्या दिवस की घोषणा की थी। ये दिन जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस पर 1994 में जनसंख्या और विकास पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया गया है। 25 साल पहले हुए इस सम्मेलन में 179 देशों की सरकारों ने माना था कि सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रजनन स्वास्थ्य और लैंगिक समानता अनिवार्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नाहरलगुन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलोक लिबांग, स्कूली बच्चों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने मलेरिया विभाग, राष्ट्रीय संक्रामक रोग नियंत्रण विभाग, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य निगरानी समिति सहित कई अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए स्कूटी और बाइक प्रदान किए। अपने संबंध में श्री लिबांग ने कहा कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों को परिवार नियोजन को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जागरूकता के माध्यम से छोटे परिवार सुखी परिवार के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। ये हम पॉपुलेशन चाहिए, ये बात नहीं है। हम लोग पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है वो चाहिए। हम लोग इस पॉलिटिशियन हम लोग को जो सपोर्ट चाहिए, हम लोग पॉपुलेशन चाहिए। लेकिन ये इलेक्शन का बात नहीं है, वर्ल्ड को इम्प्रूवमेंट को अच्छा ले जाने के लिए हमारा पॉपुलेशन कमती होना चाहिए। ये जैसा आपने ये हमें फोन बनाया है, इसमें कैपेसिटी कितना का ऐसा बनाया होगा कुछ टारगेटेड तौर के, तो उसी मुताबिक हमारा जो यूनिवर्स को वर्ल्ड को इस प्लेनेट को भी ऐसा कुछ बनाया होगा जो भगवान ने खुदा ने इतना रह सकेगा बोल के। तो हम अभी रेंडमली हमारा जो ह्यूमन इतना ग्रोथ कर रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, तो उसी कारण से आप जानते हैं जहाँ बाहर का जो ब्रॉक पिघलने गए हैं, जो सी में हम लोग हेलीपैड बन रहा है, एयरफील्ड बन रहा है, गोड बन रहा है, इसी कारण से हमारा डिस्टर्ब और इकोलॉजिकल इम्बेलेंस हो रहा है वर्ल्ड में। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि राज्य की प्राकृतिक संपदा ही वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करेगी। कल विधानसभा में राज्य बजट पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि खनिज पदार्थ और जन विद्युत ऊर्जा राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने प्रदेश में माइनिंग गतिविधियों को जारी रखने के लिए वन विभाग से सहयोग करने को कहा है। उन्होंने विजयनगर का उदाहरण देते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा आवश्यक क्लियरेंस न मिलने के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू नहीं हो पा रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कोयला, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम उत्पाद, डोलोमाइट सहित कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ के भंडार है, जिसका राज्य सरकार सतत और स्थायी तरीके से दोहन करेगी।
उन्होंने वेस्ट कामेंग जिले के रूपा में डोलोमाइट के दो भंडार और कलकत्ता के क्वार्टजाइट के खनन के लिए ई ऑक्शन का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपर सुबनसिरी जिले के मेंगा क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता के लाइमस्टोन का पता लगाया और इसके लिए 1,25,00,000 रुपये आवंटित किए गए। श्री मेन ने कहा कि वेस्ट सियांग जिले के लग्गी गामलिन और योमचा क्षेत्र में आयरन खनिज के सर्वे के लिए 1,50,00,000 निर्धारित रुपए तय किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि चांगलांग जिले के नामचिक नामपुक कोल फील्ड को फिर से शुरू करने के लिए एपीएमडी टीसीएल को 32 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण आवंटित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था में वित्तीय मजबूती लाने के लिए वचनबद्ध है। केंद्रीय बजट 2019-20 पर लोकसभा में बहस का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि बजट में वित्तीय घाटा 3.3% रखने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अंतरिम बजट में यह 3.4% था। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए सार्वजनिक खर्चे को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि सदन में अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इन द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट व्हिच वाज प्रेजेंटेड टू दिस हाउस आवर एम्फेसिस इज टू एंश्योर दैट इकोनॉमिक ग्रोथ व्हिच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग सबका साथ सबका विकास will be the focus of this government as much as national security. So with the constitution of the 17th Lok Sabha and the formation of a new government, the regular budget, as this is now called, the regular budget for 2019-2020 has been proposed to the parliament in this session. The regular budget, as we call it, 2019-20, which includes the finance bill 2019, the demands for grants 2019-20 will cover the entire fiscal year 2019-20. I wish also to draw the attention of the honourable members through you, respected Speaker sir, that this is the second budget after the implementation of the goods and services tax from 1st July 2017. With a continued emphasis on empowering states, the total resources transferred to the states, including the devolution of state share in taxes and the releases under centrally sponsored scheme in B 2019-20, is estimated to be 13,29,488. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना के तहत आवासीय बस्तियों के ग्रामीण कृषि बाजारों, माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए संबंधित पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधित किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। इस कानून के तहत ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड सहित कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कानून में इस संशोधन से बच्चों को यौन शोषण की कमी आएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटी से संबंधित विधाओं को निकारण के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विधा संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसका उद्देश्य राज्य के बीच जल विवादों को तेजी से और कुशलतापूर्वक निपटाना है। मंत्रिमंडल ने 13 केंद्रीय श्रम कानून को एक नई श्रम संहिता में समाहित करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून 10 या उससे अधिक श्रमिकों वाली प्रतिष्ठानों पर लागू किया जाएगा। जो बालकों पर अमानवीय अत्याचार होता है, उनकी बचपन खत्म होता है, ऐसे अत्याचार करने वाले को कड़ाई से सजा हो और सारा माहौल ऐसा तैयार करे कि इस तरह के बच्चों के साथ कोई हरकत ना करे, इसके लिए डिस्करेज करने का भी इसमें अनेक प्रावधान है। खास बात यह तय की है कि न्यूनतम मजदूरी अब जो दी जाएगी
वो हर माह की तारीख निश्चित तय की आ जाएगी, उसके हिसाब से दिया जाएगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो तीन तीन महीना वेतन नहीं मिलता है। इसको हमने इसमें एक व्यवस्थित करने का काम मिला, न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार मिलने की बात हमने की और यह अब यह सब श्रमिकों को मिलेगा। राज्य में कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण कई इलाकों में भूस्खलन से सड़क संपर्क प्रभावित है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध कराएं। राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को आगामी 13 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया है। नाहरलगुन स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के प्रिंसिपल आर के कटारिया ने बताया कि विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है। डीसी कॉम्प्लेक्स ने एक ऑर्डर इश्यू किया है जो कि ये बताता है कि इस दौरान कोई भी एकेडमिक एक्टिविटीज किसी स्कूल्स में नहीं हो सकती है। उसको हम ध्यान में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम भी स्कूल्स को बंद कर रहे हैं और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी बच्चों की सुरक्षा इन 3 दिन में दें और स्कूल न भेजें। मौसम ऐसे हैं, ये एक नेचर है, प्रकृति है, इसको तो हम लोग कोई टाल नहीं सकते। तो इसका इफेक्ट से हम खुद ही बच सकता है, इसको तो हम लोग रुका नहीं सकते, इसका इफेक्ट से हम खुद बच सकता है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए सिर्फ गाइडलाइन दे सकता है, पब्लिक का इशारा दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है अकॉर्डिंगली। राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने यातायात नियमों का पालन और सुरक्षित यात्रा के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसका असर अब पूरे राजधानी क्षेत्र में दिखने लगा है। एक निजी पेट्रोल पंप के मैनेजर सुरेश बोरा ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मीटिंग में हम लोग को बुला के ऑर्डर दिया है कि हर पेट्रोल पंप में नो हेमलेट नो फ्यूल बोल के एक बैनर लगा के, जो हेमलेट लगा के नहीं आएगा उसको तेल नहीं देना है। इसके लिए 2 सप्ताह के लिए एसपी सर ने हम लोग को सिक्योरिटी देगा, हम लोग का ज़्यादा पब्लिक ना हो इसीलिए हम लोग सिक्योरिटी देगा, हम लोग उसको फॉलो करेंगे और ये लागू होगा 20 जुलाई से। हम इसीलिए इस जानकारी के लिए कस्टमर को जानकारी के लिए पहले हम लोग बोर्ड बैनर लगा दिया नो फ्यूल नो हेमलेट नो। गृहमंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा है कि ओजिंग तायंग हत्या मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कल विधानसभा में कांग्रेस विधायक निन्नोंग ईरिंग द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस इस मामले में दिन रात काम कर रही है और जल्द ही इसे हल कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि ईटानगर में 10 जून 2017 को ओजिंग तायंग पर हमला हुआ था और गुवाहाटी के एक अस्पताल में 9 दिनों तक इलाज के बाद उनकी मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने इस मामले को CBI जाँच की सिफारिश की थी, जिसके बाद CBI ने कुछ तकनीकी कारणों के से इसका इनकार कर दिया गया। ईस्ट सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बुरिंग ओलुंग वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष तमात गमो ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए विधायक निन्नोंग ईरिंग को धन्यवाद देते हुए राज्य सरकार से जल्द मामले को हल करने और अभियुक्ताओं को कड़ी सजा दिलाने का आग्रह किया है। भारतीय वायुसेना के कौशल को बेहतर करने के उद्देश्य से भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच गरुड़ 6 संयुक्त वायु अभियान फ्रांस के मोंटो डी मर्सन में किया जा रहा है। गरुड़ 6 का संयुक्त अभियान कल तक चलेगा। इस अभियान में भारत के कई लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।